अनुदान राशि के एवज में अवैध वसूली के वायरल वीडियो मामले में जिले से आई टीम ने की जांच। मधवापुर। मंगलवार को कृषि अनुदान राशि के एवज में किसानों से हो रही अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद बुधवार को कृषि विभाग की जांच टीम ने प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के इनरवा टोल पहुंचकर मामले की जांच की। जांच टीम में कृषि विभाग के सहायक निदेशक दिलीप शर्मा, जिला उद्यान पदाधिकारी राकेश कुमार व प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी मुकेश मिश्रा ने लगभग 2 दर्जन स्थानीय किसानों से बातचीत कर उनसे विभिन्न पहलुओं से जुड़े प्रश्नों पर पूछताछ की और उन्हें रिपोर्ट में संधारित किया, जहां कई किसानों ने खुलकर घूस के बदले लाभ दिलाने व योजनाओं में किए जा रहे भ्रष्टाचार की बात सामने रखी। कागज आपके पास है जो जिसके उनके सबके पास जमा है? ठीक है, आपका नाम बताइए। दस 15 दिन पहले ऑनलाइन में क्या कहा गया, फिर से बोलिए। कोई कागज आपके पास नहीं है? है तो लाओ ना। हाँ, उनका कहना था कि 10,000 तब आएगा जब 3,000 देंगे। 4,000 5,000 देंगे। 5,000 लिखिए। पापा पहले पेपर आएगा तो 3,000 रुपया लेंगे। तो हम भर दिए, सब कुछ कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं आया। तो हम इनको पास दोबारा तिबारा में नहीं गए, फिर स्टार्ट है दोबारा से। आज हम नहीं जा रहे, इनको पैसा नहीं आया। यही है ना किसान समाचार पंचायत घनश्याम जी, है ना? भाषा तो हम भी सुने हैं, तो सुन 12,000 दे जाए वहाँ से। अच्छा, घनश्याम जी कह रहे थे 5,000 हम लेंगे। अच्छा, 5,000 आपको देंगे। उन्होंने कहा हम नहीं भरेंगे। वो भी पहले जमा कीजिए। तो पहले जमा करता है उनको आता है, जो नहीं जमा करता है तो नहीं आता। और सरकारी वाला जो अभी डौवा मिली जो नुकसान कागज में उसका कोई के कागज फॉर्म भर लिया उसका कागज है आपके पास जमा के लिए? कागज ले गया, कागज ले गया, कागज डौवा के धर। विदित हो कि मीडिया लाइव न्यूज ने इस मामले में सबसे पहले खबर फ्लैश किया था, जिसके बाद लोगों ने मीडिया लाइव न्यूज को मधवापुर प्रखंड के आम जनमानस की असली आवाज बताते हुए संस्थान के इस पहल को जनहित में मील का पत्थर बताया है। साथ ही लोग हमेशा से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर सत्य व निष्पक्ष खबर देने वाले मीडिया लाइव न्यूज के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। इधर इस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत हुए जांच टीम के गठन और धरातल पर जाकर उनके द्वारा की गई जांच से खंड सहित जिले के कई भ्रष्ट कृषि कर्मियों व किसान सलाहकारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लूट खसोट से त्रस्त असली किसानों और आम जनता में इस कार्रवाई से राहत महसूस की जा रही है। नहीं कर रहे हम, जैसे बात कर रहे हैं आपको कि किसी के बहकावे में आके ये सब बात नहीं करिएगा। आप ही के लिए आए, सही बात है, महिला के लिए आए हैं ना, जो महिला से कोई ठग नहीं रहा है। हाँ, इस तरीके का अगर कोई बात हो, कोई आपसे कहता हो साइन करने कैसे पैसा लगता नहीं, है नहीं। बताते चलें कि सूबे के लगभग सभी प्रखंडों में कृषि विभाग की योजनाओं में लगभग यही स्थिति है। इन योजनाओं के तहत सहायता राशि दिलाने के नाम पर कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा किसानों से सरेआम लूट खसोट की जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक तरफ जहां कर्मी अपनी मनमर्जी से फर्जी किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और अधिकांश किसान इससे वंचित रह जाते हैं, वहीं नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों का इस वसूली में एक निश्चित हिस्सा होता है। लेकिन जब निचले स्तर के कर्मी इसमें पकड़े जाते हैं तो सभी अपना पल्ला झाड़ कर पकड़ाए कर्मी पर सब कुछ थोपने लगते हैं। हकीकत यही है कि इसमें वो बलि का बकरा तो बन जाते हैं, लेकिन विभाग के बड़े बड़े ओहदों तक के सह में रहते हुए और उनकी जानकारी में ही यह सब कुछ होता है। अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर कई किसानों ने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओं में जारी लूट खसोट से वो त्रस्त हैं और इस कार्रवाई से उनमें नई आशा का संचार हुआ है।